गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं एक स्पेशल स्कूल, जिसमें मेरी और आपकी तरह स्टूडेंट नहीं बल्कि स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। और वहां के स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो बिना देखे कंप्यूटर भी चलाते हैं, ऑपरेट भी करते हैं और बाकी सब साइन लैंग्वेज से वो लोग बात भी करते हैं। तो आइए लास्ट तक बने रहें इस ब्लॉग में, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ, बताता हूँ और उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा आपको। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड होगा बोकारो एयरपोर्ट का, और यहाँ से हम लोग रास्ता जो है आपको दिखाएंगे कि कैसे वो स्पेशल स्कूल जो है आसलता उसकी तरफ हम लोग कैसे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 12 होते हुए नया मोड़ निकल जाएगा और राइट साइड में 50 जाने का रास्ता है। तो इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं गाइस 50 के लिए रास्ता निकल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से सीधे जाना है राम मंदिर होते हुए पत्थरकट्टा चौक की तरफ। गाइस देखिए एयरपोर्ट के जस्ट 10 मीटर से 20 मीटर की दूरी पे ये स्तंभ आपको दिख रहा होगा, जब सेल का जब 50 वर्ष पूरा कंप्लीट हुआ था उसके उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो हम लोग आगे चलते हैं राम मंदिर की तरफ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे राइट साइड में राम मंदिर जाने का रास्ता है, ये जो राइट साइड है देखिए आप लोग को दिख रहा होगा राम मंदिर। हम लोग को सीधे जाना है पत्थरकट्टा चौक की तरफ, ये सिटी पार्क का मेन गेट है। हम लोग इसको क्रॉस करते हुए पार करते हुए सीधा पत्थरकट्टा चौक की तरफ निकलेंगे हम लोग। गाइस ये सिटी पार्क का लगा हुआ है बोर्ड आप। गाइस हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं पत्थरकट्टा चौक की तरफ, यही है पत्थरकट्टा चौक। हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, आगे सीधे बोकारो होटल पड़ेगा, वहां से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे चिन्मया स्कूल की तरफ। आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं इस रोड में कौन कौन आया है और कौन कौन जानता है। बोकारो होटल की मेन गेट, यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। आप लोगों को सामने दिख रहा होगा स्वागतम का बोर्ड लगा हुआ है और मेन गेट। अयप्पा टेम्पल देखिए दोस्तों, श्री अयप्पा टेम्पल, और जस्ट इसके बगल में है चिन्मया विद्यालय। चिन्मया विद्यालय का भी बोर्ड दिख रहा होगा, और ठीक इससे मैं 10 से 20 मीटर की दूरी पे है अपना मंजिल, जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल है। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। आप लोग देख सकते हो आशालता दिव्यांग बच्चों के शिक्षा विकास एवं पुनर्वास संस्थान। तो आइए हम लोग चलते हैं गेट के अंदर और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पता करते हैं टीचर। ये गाइज आप लोग देख सकते हो अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है। कितना बड़ा ग्राउंड है ये बच्चों को खेलने कूदने के लिए। ये स्टेज बना हुआ है, और इधर ऑफिस कार्यालय है। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था ये स्पेशल बच्चों के बीच। तो आप लोग देख सकते हो स्टेज पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जो कि जिसमें से कुछ ऑर्थोपेडिक लिए स्टूडेंट हैं, कुछ आइए दोस्तों हम लोग सर के सामने बैठे हुए हैं और इस स्कूल के बारे में जानते हैं कि यहाँ के बच्चे कैसे एडमिशन लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताइए। सर मैं मोहन आजाद, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आशा। तो सर यहाँ जो बच्चे आते हैं सर वो अपनी गाड़ी से आते हैं या कैसे आते हैं सर? एक्चुअली हमारे जो भी बच्चे हैं अपनी गाड़ी से आते हैं, मीन्स हमारी गाड़ी होती है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को हम लोग पे करते हैं आशा के द्वारा।
अच्छा, और हम ग्रेटफुल हैं SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उन्होंने गाड़ी दी है मैजिक, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम बच्चों को लाते हैं ले जाते हैं, उनसे पैसा नहीं लेते। तो सर फाइनली यहाँ अगर किसी को एडमिशन अगर चाहिए उस तरह से, अगर बच्चे हैं तो क्या उसका प्रोसेस क्या है सर? क्या देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम मदद करने की, हमारा मोटो है हेल्प द डिजेबल चिल्ड्रन। उसमें प्रोसेस ये है कि एक फॉर्म होती है हमारी, 1,050 रुपया मात्र लगता है, उनका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, उनका आधार कार्ड चाहिए और 4 फोटोग्राफ चाहिए, दैट्स ऑल। फ्री एजुकेशन से हम लोग एफर्ट करते हैं उनको देने का। सर मैंने सुना है कि यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी ट्रैक करते हैं। जी, हमारे यहाँ बैंक में है, हमारी धनबाद की जो बंधन बैंक है उनका PO हमारी स्टूडेंट है, रेलवे में हमारे 4 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग में भी हमारे 2 बच्चे का हुआ है। अभी अभी गुड न्यूज़ हमारे लिए, वेरी प्राउड ऑफ अरविंद कुमार जो ऑर्थो में है, हाथ पैर उनके ठीक नहीं है, ही सिलेक्टेड फॉर जगह देवघर सिविल कोर्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वी आर वेरी प्राउड। और हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकारी गैर सरकारी दोनों, प्लस टू तक तो चलाते ही हैं, और उसके बाद भी हम लोग कॉलेज में एडमिशन देते हैं बच्चों को, तो हमारी कोशिश होती है कि उनका एडमिशन बहुत अच्छे से हो जाए। कि हमारा देखिए BMA 36, MA, MEd सारी आपको जितने भी हैं, और खास करके देखिए हमारी जो राज्यपाल हैं मैडम द्रौपदी जी, अभी तो प्रेसिडेंट हो गई, इनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। और ये हमारे जितने भी आप देखेंगे, हमारे देखिए मंतोष कुमार MA PhD हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ये सच्चाई है। फिर कोमल कुमारी हैं OH से, देखिए BTech और वर्किंग इन टाटा मोटर्स। ममता कुमारी हैं SBI में ऑफिसर हैं जैसा मैंने कहा। कविता कुमारी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर हैं। उपेंद्र कुमार हैं बहुत अच्छे गायक हैं। मिथिलेश कुमार रेलवे में हैं, रेलवे में हमारे कम से कम 5-6 बच्चों का हुआ है, और रियली वी आर ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शारदा कुमारी हैं, देखिए कंप्यूटर इंजीनियर हैं JSL PS में। निर्मा कुमारी रेलवे में हैं। स्वीटी हैं, आदर्श हैं, निष्ठा शर्मा हैं, ब्रजेश, ये हमारे अचीवमेंट है। और आशा लता का सच में इतना बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, और गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सभी में अपॉइंटेड, सो वी लुक आफ्टर एवरीथिंग। और तो आप देख ही सकते हैं बोर्ड में आपको दिख जाएंगे, फ्री ट्रांसपोर्ट टू ऑल पुअर स्टूडेंट्स, कोशिश करते हैं हम लोगों से एक पैसा। वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ ये क्लास जो है ये बच्चे ना तो बोल सकते हैं ना तो सुन सकते हैं, आइए यहाँ के सर से हम लोग जानकारी लेते हैं यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो आइए सर, सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम हरिद्वार राय है। हरिद्वार राय सर, सर आप इन बच्चों के साथ बात कैसे करते हैं सर? मतलब ये लोग ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आपको कैसे पढ़ाते हैं सर? देखिए बताते हैं, ये बच्ची है, इस बच्ची को मैं बुला रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सर जो है साइन लैंग्वेज से उस बच्ची को बुला रहे हैं। सर जो है उस बच्ची से उसका नाम और उसके फादर नेम को पूछ रहे हैं साइन लैंग्वेज के थ्रू। जो बच्ची है वो साइन लैंग्वेज से अपना नाम और अपने फादर नेम बताएगी। तो दोस्तों जिनको पता है साइन लैंग्वेज प्लीज़ कमेंट कर कर बता देना कि ये बच्ची सही बता रही है या नहीं। इनके फादर नेम पूछना या फिर इन्हीं का नाम पूछना तो मैं कैसे पूछूंगा? देखिए मैं एक बच्ची को बुला रहा हूं। ओके, COCOM कम, यू कम, ओके बच्ची आ गई। ये बच्ची से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, ये इंग्लिश को बता रही है मेरा नाम। सर ये क्या बोल रही है सर? ये बोल रही है कि मेरा नाम my name is बोला। हाँ कुमारी श्वेता कुमारी इसका नाम। तो सर क्या बच्चे जो लिखे हैं कॉपी में वो हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं? हाँ देखिए ये जो है ये बच्चा का कॉपी है और ये इंग्लिश ग्रामर का ये जो है ना
एरर कम किया है ठीक ठाक। देखिए यहाँ लिखता है इस पे से ऑल द न्यूज इज ट्रू, ये इज और आर में यूज करना था, यहाँ प्रिंसिपलाइज करना था, इज का यूज किया है, ये जो है ना इंग्लिश का जो है ना ये सब करता है, सब इंग्लिश का है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ कोई नहीं कह सकता है कि ये बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में ये लोग लिखते हैं। तो सर क्या हिंदी की भी कॉपी हम लोग देख सकते हैं? हिंदी का भी दिखा रहे हैं, हिंदी की कॉपी का जो है संसाधन और विकास, तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव, लिखा है बच्चा हमारा जीवन पूर्णतः स्थिर हो जाएगा, इसमें कोई ये गतिविधि नहीं होने से मानव अस्तित्व। मैम ये बच्चे जनरली मतलब किस टाइप के, मतलब क्या प्रॉब्लम है इनको? ये सोते नहीं है, बोलते नहीं है और ट्रेप से फ्लीन करते बच्चे हैं जूनियर क्लास के। गाइस आप लोगों ने देखा इससे जस्ट पहले वो सीनियर बच्चे थे हियरिंग इम्पेयर्ड के, और ये जूनियर बच्चे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड, ये बच्चे भी ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, साइन लैंग्वेज में ही ये लोग पढ़ते हैं और आपस में बात भी करते हैं। और ये हमारा ब्लाइंड सेक्शन है, यहाँ सारे बच्चे विजुअली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये लोग देख नहीं सकते हैं, बट फिर भी जो हम लोग बचपन में जानते थे कि हम लोग ब्रेल के बारे में सुने थे, शायद आप लोग भी सुने होंगे, तो यहाँ ब्रेल बुक इसको आप बोल सकते हैं, मैगजीन है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मिला हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसी में ये लोग टच करके ये पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में तो जानकारी मुझे भी नहीं है, आइए हमारे सर हैं और सर से हम लोग जानकारी लेते हैं कि बच्चों को कैसे। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा शुभ नाम है सुनील सिन्हा का। और सर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं थोड़ा? वो एक साधन है हम लोगों का ब्रेल लिपि, और ये जो बुक है, ये जो जैसा कि आपने बताया सर कि ये रिलायंस फाउंडेशन का जो बुक है, इसको हम लोग उभार के इस तरह से पढ़ते हैं, और ये मंथली मैगजीन है, और ये देखिए ये लिखा हुआ है रिलायंस फाउंडेशन, और इस बुक को जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिक्स डॉट के द्वारा, यानी कि शुरुआत में जब हम लोग सीखते हैं ब्रेल लिपि को तो एक स्लेट के माध्यम से सीखते हैं। अच्छा सर। हाँ, जिसे स्लेट जर्मन स्लेट भी कह सकते हैं, जर्मनी स्लेट भी कह सकते हैं, और उस सिक्स डॉट को तोड़ मरोड़ कर सारे लैंग्वेज बने, ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी में ही हो, वो सारे लैंग्वेज ब्रेल में पढ़े जा सकते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तमिल हो, बंगला हो, कोई भी हो, वो सारे लैंग्वेज जो है वो सिक्स डॉट को ही तोड़ मरोड़ कर बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्लेट किसी के पास होगा, जैसा आप देख सकते हैं ये जनरल मतलब इंटर कोइन स्लेट ठीक है ना, और इसमें आप देख सकते हैं कि बीच बीच में ये डॉट बने हुए हैं, और ये पेपर है ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है हम लोग इस बुक को रीड करते हैं, इसको अपने फिंगर से इस तरह से हम लोग टच करते हैं ऐसे। सर इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा एक दो लाइन वर्ड अगर पढ़कर आप बता दें? पहले तो ये देखिए इसमें सबसे फर्स्ट पेज जो है जी, इसका फर्स्ट पेज का फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा हुआ है, बुक का नाम ही लिखा हुआ है रिलायंस फाउंडेशन। अब जैसे कि हम लोग जब ये जो पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि सिक्स डॉट होते हैं जिसे हम लोग ढा कहते हैं, उसको भरना होता है, और उसको तोड़ मरचोड़ कर हम लोग क्या बनाते हैं, अक्षर को बनाते हैं, और उस अक्षर को अल्फाबेट को नंबर के द्वारा हम लोगों को याद करना होता है, जैसे कि छोटी का नंबर होगा 2-4, ल का नंबर होगा 1-2-3, आ का नंबर होगा 3-4-5, य का होगा 1-3-4-5-6, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं वो भी काफ़ी हिंदी वर्ड से मिलते जुलते हैं, तो ये सारे तोड़ मचोड़ के जैसे इसमें लिखा हुआ है रिलायंस फाउंडेशन, तो और इसी को हम लोग टच करके पढ़ते हैं, यानी कि हाथ से कि मतलब कि द का
साइन आएगा तो वो किस तरह से फिंगर में उभरेगा, वह का साइन आएगा तो वो सब कुछ हम लोगों को याद करना होता है, बाय फिंगर भी और ब्रेन में भी बैठाना पड़ता है, और टचिंग पावर तो है ही, होता ही है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और ये लोग सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छी तरह से चलाते हैं यार। कंप्यूटर का सेक्शन भी मैं आपको ले चलूँगा, वहाँ मैं दिखाऊँगा कि ये सब बच्चे बिना देखे हुए भी कैसे कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते हैं, उतनी फास्ट तो हम लोग भी ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो आइए, एक हमारे बीच स्टूडेंट हैं जिनका नाम है महेंद्र, और इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका स्ट्रगल कैसा रहा, कैसे ये पढ़ते थे, और इनकी इंग्लिश आप लोग स्पोकन देखिएगा गाइज, आप लोग बिलीव नहीं करोगे ये इतनी फास्ट और इतने अच्छे तरीके से। आप अपना इंट्रो दे दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू वेलकम टू यू इन द सेशन ऑफ द विकलांग दिव्यांग केंद्र ब्लाइंड सेक्शन। दिस इज महेंद्र दिगार एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय हार्टफुल थैंक्स टू यू फॉर कमिंग ओवर हियर। एज वी कैन सी आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन ओनली due to the braille support, and every teachers here supported me too much. Before I come to this school, I used to learn English, but only I was learning English, but I didn't have the knowledge of the alphabetics. After coming to this special institute, I learned how to write and how to read and how to make our communications. So I'm done matriculation from this school, and I was the topper, and I got much support from the teachers in learning the braille. Thank you. Friends, yeah, MR section. इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इन बच्चों का जो IQ लेवल है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा कम है। तो आइए हम लोग सर से, यहाँ सर हैं संजय सर और शिवानी मैम, हम लोग इनसे जानकारी लेते हैं कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और इनके डेवलपमेंट के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं। ये जो बच्चे हैं जनरली आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं इनको, इनके डेवलपमेंट के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो ट्रीट कैसे करते हैं, सारे बच्चों का IQ लेवल अलग अलग होता है, उस हिसाब से हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का फेस दिखाना चाहूँगी, न्यू एडमिशन है, इस बच्चे का IQ लेवल बिल्कुल अलग है, ये ऑटिस्टिक है, इसका IQ लेवल अलग है, तो दोनों को ट्रीट करने के बिल्कुल अलग तरीका है। इसका 0 से स्टार्टिंग करेंगे और ये बहुत 0 से पढ़ाई कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, तो ऐसे सारे बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो जाते हैं। सर, ये जो पीछे जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, इसका क्या यूज है, बच्चे लोग इसका बेनिफिट कैसे उठाते हैं, कृपया हमारे व्यूअर्स को बताएं। 12+ ये स्मार्ट बोर्ड ही बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है, जैसे प्रैक्टिकल रूप से इसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, 12+ बताना चाहता हूँ, वो बच्चे प्रैक्टिकल रूप से रूप में रहते हैं और प्रत्यक्ष देख सकते हैं, 12+ जो दिखाता है हम लोग अच्छे से समझा सकते हैं, और इससे बच्चे लोगों का होता है माइंड डेवलप ज़्यादा जल्दी होता है और ये जल्दी सीख सकते हैं। जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, फोर माइनस ये अल्फाबेट का पिक्चर है, इसमें आपका एपल होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से एपल को दिखाया गया, इसकी कलर को दिखाया गया कि ये किस कलर का है एपल, उसके बाद इसका टेक्स्ट बताया जाता है। डेस्कटॉप है यहाँ, तो फ्रेंड्स देखिए ये है कंप्यूटर सेक्शन, यहाँ अभी कुछ बच्चे आए हुए हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, बट फिर भी कंप्यूटर ऑपरेट कर। मैम है, मैम से हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं और कैसे बच्चे बिना देखे हुए भी ऑपरेट कर लेते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैम भी देख नहीं सकती हैं, उसके बाद भी इन्होंने सीखा, और कैसे सीखा और बच्चों को कैसे सिखा रही हैं, आइए मैम से ही हम लोग जानते हैं। तो मैम, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ओके सर, सो मेरा नाम कृष्णा है और मैं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर को ऑपरेट करती हूँ, और इस सॉफ्टवेयर का नाम NVDA है। ओके मैम, तो क्या मैम आप हमारे व्यूअर्स को कंप्यूटर पे कुछ ओपन करके और टाइप करके कुछ दिखा सकते हो? यस सर। ओके मैम, ठीक है, आप दिखाइए। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ, बाय प्रेसिंग विंडोज प्लस डी करके। Okay, folder new list, cyber link not selected. तो अभी मैं डेस्कटॉप पे आ गई,
और अभी मुझे रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है बाय प्रेसिंग इंसर्ट प्लस टी। क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हूँ? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट खुल चुका है और यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप कर रही हूँ M Chase Print Screen। सर थोड़ा पॉज कीजिए, तो अभी मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप करती हूँ M M Y Chase जूम कर दिखा देता हूँ। मैम ने काफ़ी अच्छे से अपना नाम टाइप कर लिया है। अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप क्या अपना नाम टाइप करके दिखा सकते हैं हमें? ठीक है दिखाइए। फ्रेंड्स, रासू ने बिना स्पीकर के ही वो टाइप किया था, इस वजह से उनका फर्स्ट लेटर आर जो है वो स्मॉल रह गया था। ओके ठीक है, आपका सही है। बस स्पीकर के साथ जो स्टार्टिंग का रासू का आर जो है वो स्मॉल लेटर हो गया, बाकी सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये सामने में आसलता स्कूल में फिजियोथेरेपी सेंटर भी है, जस्ट कंप्यूटर सेंटर के बगल में ही है। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और बच्चे लोग को कैसे हेल्प मिलता है फिजियोथेरेपी यूज़ करके। ये दोस्तों, ये आप देख सकते हो बच्चे लोग फिजियोथेरेपी सेंटर में। हाँ, मैम भी हैं यहाँ पे। आपको मैं एक बार राउंड कर घुमा कर दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है आशालता स्कूल में। यहाँ पे बच्चे लोग आइए मैम से हम लोग जानते हैं कि मैम बच्चों को कैसे ट्रीट करती हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डॉक्टर श्वेता सिन्हा, फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ आशालता में। यहाँ के बच्चों को फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी उपलब्ध है। यहाँ दो तरह के ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, एक इलेक्ट्रोथेरेपी हुआ और दूसरा एक्सरसाइज थेरेपी हुआ। एक्सरसाइज थेरेपी में आप देख सकते हैं ये शोल्डर भी यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स चेयर है। अब आते हैं इलेक्ट्रो पार्ट में। इलेक्ट्रो पार्ट में हमारे पास IFT मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन IRR है, शॉर्ट वेव डायफ्रेम है। ये इसको भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। ये एक्चुअल एक्सरसाइजेस करती है, जैसे कि एक्टिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। CPM मशीन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोथेरेपी का एक पार्ट है। CPM मशीन जिसमें नी स्टिफनेस होता है, तो उसके सेक्टर के हम लोग नी के रेंज ऑफ मोशन। हेलो फ्रेंड्स, ये बाल उद्यान बना हुआ है ONGC के द्वारा बनाया गया है बाल उद्यान, जिसमें छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे हैं
और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी तरह के झूले हैं और यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं। मैम ब्लाडी अंदर, ठीक है।